ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मिडिल ईस्ट के बाद अरब सागर में जंग की आहट महसूस की जा रही है। इसराइल ने अब तक अपने एक से बढ़कर एक दुश्मन को मार गिराया है। हमास से लेकर हिजबुल्ला तक सबको दहला दिया है। ईरान को भी अपने निशाने पर इसराइल ने लिया और ईरान में भी जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा दी। खबरें तो ये भी आई कि इसराइल ने ईरान के S-300 बर्बाद कर दिए। लेकिन इन सब के बीच में एक और आतंकी संगठन है जो अब सर उठा रहा है और इसराइल के निशाने पर अगला नंबर हूती का लगने वाला है। हूती विद्रोहियों ने फिर एक बार अरब सागर में बड़ी हरकत की है। एक साथ 3 जहाजों को हूतियों ने हाईजैक कर लिया है। खबर है कि हूतियों ने इस बार अरब सागर में 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया है। इनमें से एक जहाज रूस से चीन की तरफ जा रहा था और इसकी जिम्मेदारी खुद यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने लाल सागर और अरब सागर में 3 जहाजों को निशाना बनाया है। उन्होंने इन हमलों को इसराइल पर जवाबी कार्रवाई बताई है। हूतियों ने कहा कि इसराइल की नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने के बाद हमने इसका जवाब दिया है। हूती के सैन्य प्रवक्ता याया सरिया ने टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में कहा कि इन जहाजों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो इसराइल जाने वाले बंदरगाहों की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। LSEG के सबसे नए आंकड़ों के मुताबिक लक्षित 3 जहाज लाइब्रेरिया में रजिस्टर्ड थे। लेकिन इन सब के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कई और दावे भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज ऐसा था जो इसराइल नहीं बल्कि रूस से चीन की तरफ जा रहा था। मरीन ट्रैफिक की जानकारी के मुताबिक इनमें से एक लक्ष्य मोटारो बल्क कैरियर था जो लाल सागर में रूस से चीन जा रहा था और उस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। वहीं 2 बाकी जहाज मर्स काबलून जिस पर मिसाइल से हमला हुआ और 3रा जहाज SC मोनिट्रियल था जिसे 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाज जो रूस से चीन की तरफ जा रहा था उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। अपने आप में ये खबर बहुत बड़ी है लेकिन अभी तक इसे लेकर खुलकर हूतियों की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया। अलग अलग खबरों में बताया गया कि कैसे 3 जहाजों को अरब सागर और लाल सागर में निशाना बनाया गया और इन सब के बीच देखना ये होगा कि रूस और चीन की प्रतिक्रिया इसे लेकर क्या रहने वाली है। बता दें शुरुआत से कहा जा रहा है कि ईरान हूतियों का समर्थन कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर इसराइल के द्वारा किए गए हमलों के जवाब में इजरायली जहाजों को निशाना बनाने के लिए हूतियों का समर्थन किया हो इसकी संभावनाएं हैं। हालांकि ये पक्का नहीं कहा जा सकता। हूतियों की तरफ से अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 3 जहाजों का जिक्र है जिसमें से एक जहाज को लेकर बड़ी स्पष्ट रिपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात ये कि अब इसराइल इसके जवाब में क्या करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।